सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार वैसे तो एप्पल के हर एक नए प्रोडक्ट का हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये है फिलहाल ये मेरे पास में ब्रांड न्यू एप्पल की तरफ से आने वाले ये एयरपॉड्स प्रो। तो आज दोस्तों इस वीडियो को एक तरीके से बात करता हूँ इन्हीं एयरपॉड्स प्रो के बारे में। यहाँ पे करते हैं इनको अनबॉक्स, देखते हैं क्या है बॉक्स कॉन्टेंट्स, क्या है की मतलब कुछ खास फीचर्स, और साथ में अगर हम करते हैं कंपेयर पुराने एयरपॉड्स से तो क्या है नया इन्हीं एयरपॉड्स प्रो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों खैर ये है यहाँ पे हमारे पास में एप्पल की तरफ से आने वाले ब्रांड न्यू एप्पल एयरपॉड्स प्रो का ये बॉक्स, जहां पर दोस्तों सामने ही नया डिजाइन मेंशनड है इन्हीं ब्रांड न्यू एयरपॉड्स प्रो का। ऊपर दोस्तों लिखा है यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो वायरलेस चार्जिंग केस, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनमें आपको बाय डिफॉल्ट वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिलेगा। बाकी अगर बॉक्स पे दाएं और बाएं है एप्पल की ब्रांडिंग, और यहाँ पर दोस्तों नीचे अगर कुछ और डिटेल्स मेंशनड है जहां पे बताया गया है कंपैटिबिलिटी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों इनफैक्ट हमें पीछे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक पहला लुक इसी ब्रांड न्यू डिजाइन का, जहां पे जो केस है उसके डिजाइन को भी चेंज किया गया है। और यहां पे दोस्तों जैसे ही मैं इसी रैप को हटाता हूं और हम करते हैं बॉक्स को ओपन, तो सबसे ऊपर है हमारे पास में एक सेक्शन लिखा है डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसके अंदर है हमारे पास में ये एक एयरपॉड्स प्रो लिखी हुई यूजर गाइड, एक बेसिकली क्विक स्टार्ट गाइड। और इसके अलावा दोस्तों साथ में है यहां पे कुछ सेफ्टी वारंटी और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं नीचे, तो यहां पर दोस्तों ये रखे हैं हमारे पास में ब्रांड न्यू एप्पल एयरपॉड्स प्रो, जिनके बारे में खैर हम थोड़ा सा बाद में ही बात करेंगे। और अगर हम झांके थोड़ा सा और नीचे, तो यहां पे ये एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें है दोस्तों हमारे पास में ये रिप्लेसेबल ईयर टिप्स लार्ज और स्मॉल साइज में, जहां पे मीडियम पहले से इंस्टॉल्ड है। और ये एक आपको नया चेंज देखने को मिलेगा अगर आप करते हैं कंपेयर इसको अपने पुराने वर्जन से, बिकॉज इसमें अभी आप कस्टम फिट ले सकते हैं अपने कान की शेप साइज के हिसाब से। और फाइनली दोस्तों यहां पे नीचे है हमारे पास में इस साल नई देखी गई यही लाइटनिंग टू एक USB-C केबल। अब यहां पर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं मैं जल्दी से इसी मेन एयरपॉड्स प्रो के बारे में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो शेप है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है पुराने अगर आप करते हैं कंपेयर एयरपॉड्स के केस से, जहाँ पे ये थोड़ा सा वाइड हो गया है। और जैसे दोस्तों करते हैं ओपन, तो आप देख पाएंगे अंदर इसी के एक फर्स्ट लुक को। बाकी यहाँ पे सामने एलईडी लाइट है। बात करें पीछे दोस्तों, यहाँ पे ये एक बटन है जिसके चलते आप इसको मैनुअली पेयर कर सकते हैं किसी और डिवाइस के साथ में। लिखा है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना। और नीचे है हमारे पास में यहाँ पे ये एक लाइटनिंग पोर्ट इसी केस को चार्ज करने के लिए। दोस्तों जैसे हम करते हैं इसको ओपन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन्हीं इंडिविजुअल एयरपॉड्स की, तो यहाँ पे ये काफी एक डिफरेंट डिजाइन के साथ में आते हैं, जहाँ पे साइज यार डेफिनेटली मैं कहूंगा तो पुराने वर्जन से मुझे देखने में छोटा लग रहा है पहली नजर में। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के वेंट्स माइक्स वगैरह के लिए, जिसके चलते जो है ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आपको दे पाएंगे। इसके अलावा इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप जो है बड़े आराम से इन्हीं टिप्स को चेंज करते हुए अपनी कस्टम फिट ले पाएंगे। और यहाँ पे बाकी नीचे जो दोस्तों इसका स्टेम है, इसमें आपको मिल जाता है ये एक बटन जो कि एक फोर्स बटन है, जिसके चलते आप इसको और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन को ऑन या ऑफ करने की, या ट्रैक्स को प्ले पॉज स्किप वगैरह करने की। और यहाँ पे अगर हम देखें एक बार एक क्विक कंपैरिजन इनके पुराने वर्जन से, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका अगर आपसे बात दोस्तों करूँ केस की, तो मतलब समझिए कि इसको बस आप थोड़ा सा घुमा दीजिए तो साइज मोर ऑर लेस सेम है। कुछ मैं कहूं तो 10-12% शायद इंक्रीज्ड है इसके पुराने केस के कंपैरिजन में। बाकी थिकनेस वगैरह बिल्कुल सेम है, तो जो पॉकेटेबिलिटी है उसकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बड़े आराम से इनको अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मजे की बात कि यहां पर दोस्तों जो पुराने एप्पल एयरपॉड्स थे उसके कंपैरिजन में नए वालों का साइज काफी छोटा हो गया है। मतलब पहले काफी जो मजाक बनता था कि मतलब जैसे पता नहीं अपने कान में क्या लटका हुआ है, जो तरह तरह के दोस्तों कार्टून्स के बनते थे, उसके कंपैरिजन में इसका साइज काफी रिड्यूस किया गया है। तो मतलब आपको जो इन ईयर फिट मिलेगी वो तो खैर काफी अच्छी मिलेगी ही, बाकी मतलब आपके कान में एक तरीके से गायब से हो जाएंगे, बस ये हल्का सा नीचे आपको लटकता हुआ मिलेगा, तो वो भी एक काफी अच्छी बात है। और क्योंकि यहाँ पे अभी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट हो गया है, तो यार वो अपने आप में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। बाकी खैर यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ बैटरी लाइफ की, तो बिल्कुल सेम सी है पुराने वर्जन के कंपैरिजन में, जहां पे बस आपको आधे घंटे का प्लेबैक कम मिलता है अगर आप एक्टिव
नॉइज कैंसलेशन को ऑन करके रखते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेम आपको मिलने वाली हैं चीजें। इनफैक्ट यहाँ पे IPX4 सर्टिफिकेशन भी आ गया है, तो वो एक और अच्छी बात है। हालांकि कीमत खैर बढ़ाई गई है, लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ इनकी एक्चुअल साउंड क्वालिटी के बारे में। हम देखते हैं कि आखिर ये जो नए एयरपॉड्स प्रो हैं ये अपने साथ में क्या नया लेके आते हैं। बाय द वे यहाँ पे आपको इनफैक्ट वायरलेस चार्जिंग का तो ऑप्शन खैर मिल रहा है, लेकिन अब क्योंकि आईफोन्स में इसका सपोर्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अपने सैमसंग फोन को इन्हीं एयरपॉड्स प्रो को वायरलेस से चार्ज करने के लिए, जो कि बड़े आराम से काम करेगा। खैर फीचर इनफैक्ट आप किसी भी चीज चार्जर को काम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली इन्हीं एयरपॉड्स प्रो की साउंड क्वालिटी के बारे में। दोस्तों यार मैं ना भी पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ इन्हें एप्पल एयरपॉड्स प्रो को, और सबसे पहले जो डिफरेंस मुझे लगा वो लगा इसकी फिटिंग में, कि जो साइज है वो बहुत ही छोटा सा है और कान में एक बार आप लगा ले तो लगता है कि मतलब बस गायब सा ही हो गया है। तो यहाँ पे यार ये एक इम्प्रूवमेंट है अगर हम करते हैं कंपेयर पुराने एयरपॉड्स से। और उसके अलावा जो साउंड क्वालिटी है वो डेफिनेटली दोस्तों इम्प्रूवड है, क्योंकि जो फिट है वो भी थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अच्छा सा हो गया है। बिकॉज हालांकि खैर मेरे लिए तो जो पुराने वाले ये एयरपॉड्स थे ये भी काफ़ी अच्छे से फिट हुआ करते थे, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जो है ये इतने अच्छे से फिट नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये जो एयरपॉड्स प्रो है बिकॉज यहाँ पर दोस्तों ये चेंजेबल टिप्स के साथ में आते हैं, तो ये और बेहतर जो है वो फिट हो सकते हैं। और एक बार अगर आपने कान में लगा लिया तो गिरने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और ऐसे में जो साउंड क्वालिटी है वो डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ऐसे में दोस्तों नॉइज कैंसलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। मजे की बात कि यहाँ पर जो नीचे बटन है मतलब एक एरिया है जिसको थोड़ा सा अगर प्रेस करेंगे, थोड़ा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आप जो है वो अपने ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो सीरी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे आप बोल के भी कर सकते हैं बिकॉज इसमें H1 चिप है, तो जो कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप सीधा कमांड दे के hey सीरी जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से एक इम्प्रूवमेंट है बिकॉज जो नॉइज कैंसिलेशन दोस्तों है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, जहाँ पे दो दो माइक्रोफोन्स हैं, एक अंदर एक बाहर, और एक मतलब सेकेंड में 200 बार से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे रियल टाइम में मॉडिफाई किया जाता है कि कैसे आपकी फिटिंग है, क्या आप म्यूजिक सुन रहे हैं, बाहर का शोर कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग इस छोटे साइज में मेरे ख्याल से जो क्वालिटी मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है। हाँ अगर आपसे दोस्तों बात करूँ नॉइज कैंसिलेशन की, तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास में सोनी के मेरे बड़े वाले हेडफोन्स हैं, इन जितना अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स दोस्तों ये काफ़ी बड़े हेडफोन्स हैं और इनका नॉइज कैंसिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस कैटेगरी में ईयरफोन्स की कैटेगरी में अगर आपसे बात करता हूँ साउंड क्वालिटी की या फिर नॉइज कैंसिलेशन की, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप सिर्फ उसको बस दबा के रखिए, एक बार प्रेस एंड होल्ड कीजिए तो आपके आसपास क्या चल रहा है आप वो थोड़ा सा और बेहतर सुन पाएंगे। तो ये है कुछ बात जहाँ पे जो एयरपॉड्स प्रो है वो डेफिनेटली साउंड क्वालिटी के मामले में या नॉइज कैंसिलेशन के मामले में दोस्तों डेफिनेटली एक नया फीचर लेके आते हैं, जहाँ पे अब इनमें IPX4 सर्टिफिकेशन भी आ गया है। तो मतलब टेक्निकली कहूँ तो स्वेट प्रूफ है कि आप इनको पहन के वर्कआउट वगैरह कर सकते हैं बड़े आराम से। और अगर आपसे बात करूँ दोस्तों कीमत की, तो यहाँ पे इनकी US में कीमत है $250। मैंने इनको दुबई से परचेज किया 999 दिरहम यानी करीब करीब 19,000-20,000 रुपये के आसपास, और इंडिया में दोस्तों इनकी कीमत है 24,900 रुपए। तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपसे बात करता हूं क्वालिटी की या ईज ऑफ यूज की, कि मतलब आपके पास में बड़े आराम से बस ये छोटी सी एक डिबिया है आप इसके अंदर बस डाल के रखे, तो मतलब जो कन्वीनियंस फैक्टर है वो डेफिनेटली अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है इन्हीं एयरपॉड्स प्रो के लिए। मेरे पास में सारे ईयरफोन्स हो गए हैं, मैं बीट्स जो पावर बीट्स प्रो है वो यूज़ करूँ या ये यूज़ करूँ या मेरे LV वाले यूज़ करूँ या फिर इस तरह का कुछ यूज़ करूँ, कन्फ्यूजन है बड़ा। लेकिन ऐसे में कॉम्पैक्टनेस को देखते हुए और ईज ऑफ यूज को देखते हुए शायद अभी अगले कुछ टाइम तक मैं इनको यूज करूंगा, जो कि हैं एप्पल की तरफ से आने वाले एयरपॉड्स प्रो। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई जरूर सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।